आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं आज जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ सारांश में, उस पर आप गौर करेंगे कि ज्योतिष वास्तु एक विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बातों में, हर चीज़ में ज्योतिष वास्तु में मानना शुरू करेंगे और उनसे उनके हिसाब चलेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे। हमें एक प्रकार का मीमिया हो जाता है, हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो लगता जरूर कोई ना कोई ज्योतिष या वास्तु के हिसाब से गड़बड़ है। हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, लगता जरूर हमारा ज्योतिष वास्तु के हिसाब से दिक्कत है हमारे को। हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, हमारे क्या कहते हैं कामकाज में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, तेजी मंदी चलती है, जो भी कुछ है। इसी प्रकार के घर में कोई बीमारी से, मैं मना नहीं करता कि ज्योतिष वास्तु नहीं है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन मेरे को उस चीज़ को बड़ा एक अजीब सा लगता है कि ज्योतिष वास्तु के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेके, और हम बजाय अपना तालमेल बनाना, अपना सेल्फ मैनेजमेंट चेक करने के बजाय, अपनी कोई कमियाँ ढूंढने के या घर में कोई कमियाँ ढूंढने के, और हम केवल और केवल ज्योतिष वास्तु में लगे रहते छोटी छोटी बातों को लेके। जैसे ठीक है भगवान के, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है, हम भगवान को भी छोड़ देते हैं, बस ज्योतिष वास्तु में चलते हैं। तो मेरे को किस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं। सबसे पहले तो भगवान पे विश्वास होना, खाली लोग कहते कहते हम करते हैं जी, पूजा करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, एक सही मायने में वो जो करते हैं वो कोरम पूरा करते हैं। अगर भगवान पे विश्वास होता तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, अगर आपका प्रमोशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, आमतौर पर एक ग्रुप का, एक समूह का, एक बैच का होता है, कई बार सरकारें ओपन करती हैं जी, ट्रांसफ़र ओपन हो गए, प्रमोशन ओपन हो गए, ये नहीं हुए। इसके अलावा और भी कोई कारण भी हो सकते हैं, तो वो आपका ऊपर से नीचे तक तालमेल नहीं बनता या तालमेल नहीं बन पा रहा किसी भी ढंग से, आपकी लाइजनिंग कमज़ोर है, जो भी समझे तालमेल लाइजनिंग है, जैसा भी कुछ है, वो आपको देखना है। ठीक है, आपको क्या कहते हैं भगवान के प्रति आस्था, तो अपनी सारी चीज़ वहीं पर बोली ना भगवान को, वो करेंगे। लेकिन होता क्या है, ज्योतिष पे जाते हैं, फिर ज्योतिष पे जाके अगर बाय द वे उसमें भी देरी होती है, उसमें भी कुछ होता है, हम फिर भगवान को दोष देते, भगवान से ही मन हटता है, फिर ज्योतिष से भी मन हटता है, वास्तु को दोष देते हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही का तो बड़ा एक अपने देश में, पूरे भारत में एक अजीब सी स्थिति बन चुकी है। मैं आज भी दावे से कहता हूँ कोई 10% बच्चों की जिनकी शादी नहीं हो रही, उनमें 10% ही ऐसे हैं जो वास्तव में कोई ग्रह नक्षत्र आदि से पीड़ित है। अदरवाइज आप ये नोट करके चलिए, 90% बच्चों की शादी नहीं होने के कारण केवल केवल हमारा 10-15% समझौता नहीं करना है। 10-15% समझौता का क्या अर्थ रहता है, या तो घर का कोई मुखिया जिसको मेन पास करना है, वो ढीले स्वभाव का, धीमी गति का होता है, अपना धीमे धीमे देंगे जी, जवाब देंगे, बताएंगे, वो इतना टाइम खींचता जब तक सामने वाला ही फिर उपज जाता है, या बहुत तेज़ी वाला होता है, या हमें तो जी 100-150-200 किलोमीटर के अंदर ही शादी करनी है, या हमें NRI चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बात दोनों की तो चलिए, एक आध इंच का फ़र्क पड़ गया कद में तो दिक्कत है, एक आध दिन का फ़र्क पड़ गया तब दिक्कत है, जबकि लड़की अगर एक दिन से एक साल बड़ी भी हो तो चलती है, एडजस्टमेंट होती है, भाग्यशाली होती बड़ी लड़की, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये तो सारे। लेकिन नहीं जी, कलर ऐसा चाहिए, रंग ऐसा चाहिए, या फिर कहते फ्रेम ऐसा, चेहरे का मतलब जो फ्रेम है, एक फ्रेमिंग जो है वो ऐसा चाहिए। उसके अलावा फिर एक और भी चीज़ आती है, कई बार बच्चे अड़ के खड़े हो जाते हैं कैरियर को बना के, या उनकी अपनी मनमर्जी से वो भी आगे घसीटते चलते हैं, मतलब बहुत सारी छोटी 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 बातें होती है। कई लोग क्या कहते हैं घरों में जो मुखिया होता है कुंडली के चक्कर में इतना पड़ जाता है, फिर ध्यान दीजिए कुंडली वास्तु की विज्ञान है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब पीछे पड़ना, इसका कीड़ा होना, वो भी दिक्कत है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कुंडली के चक्कर में भी कई बार 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, 2-3 साल तो मैं बहुत देखता हूँ। इसके अलावा बच्चा अगर बीमार चल रहा है, और कुछ चल रहा है छोटा छोटा होता, मतलब एक बच्चा नवजात शिशु है, उसको कई बार, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका खून, जिसको कहते हैं टेम्परामेंट, बॉडी का एक तासीर जो हल्की होती है, तो ज़रा सा वेदर चेंज होता है उनको कुछ ना कुछ चलता रहता है, कईयों के सांस उखड़ जाते हैं, छाती की प्रॉब्लम आती है, या कुछ भी जाते हैं। लेकिन नहीं, हम उसमें भी कहते हैं ज्योतिष पत्र करवाए रखते हैं, एक बार ज्योतिष कराना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे ढंग से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, फिर भी उससे मन नहीं भरा तो उससे, उससे नहीं, उससे, छोटी छोटी चीज़ें हैं।
बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, अरे भाई बिजनेस में बच्चे का मन नहीं लग रहा है, या जिद्दी है, क्रोधी है, बच्चा हो या व्यक्ति हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो, केवल अपना दीदा क्यों नहीं देखता, अपना दिल और दिमाग को क्यों नहीं लगाता है। हकीकत है कि दिल और दिमाग हमारा नहीं लगता है, हम अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाते हैं, हमें हमारे हिसाब से ही काम चाहिए, हमें हमारे हिसाब से वो चीज़ चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हम अपने मस्ती से चलें, मस्ती से पढ़ाई करें, आप फिर कहते दिल दिमाग नहीं लगता। कई बच्चों बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज या ग्रेजुएशन कम आती है। उसका एक ही तरीका है, आप भगवान पे उसकी आस्था जमाइए, आप उसको बताइए बेटा ले तो सूर्य भगवान का पाठ कर, तू गायत्री मंत्र कर, तू ओम ओम का जाप कर, या जो तेरे को अच्छा लगता है, कहता मम्मी मेरे को तो ओम नमः शिवाय करना, ओम नमः शिवाय, राम राम करना, राम राम करो, जो मंत्र अच्छा करो, तो भगवान को बोल, क्योंकि उसकी मेहनत में कमी नहीं है, उसके क्या कहते हैं इंटेलिजेंसी में कमी नहीं है। कई बार थोड़ा सा खेल ये भी हो जाता है कि हाँ ये भाग्य का फर्क तो पड़ता है, तो कोई बात नहीं, उसको जी बताओ बेटा कोई नहीं, अपने को भगवान का सहारा लेना है, भगवान अपना करेगा, तेरे लिए कुछ और अच्छा होने वाला है, तू जो चीज़ चाह रहा है वो शायद नहीं हो पा रही, और अच्छा होने वाला है। अब बच्चा जिस सेमिस्टर में दाखिल होता है, मतलब जिस प्रोफेशनल कोर्स में दाखिल होता है, उसमें या तो ईयर वाइज होते हैं, सेमिस्टर वाइज होते हैं। अब बच्चा क्या करता है, दाखिल होते के साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिल होगा तो आठवें सेमेस्टर की सोचता है कि उसके बाद मेरे को इस कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, मैं पीजी करूंगा, वो पढ़ेगा। अरे भैया पहले आप अपने पहले सेमेस्टर, पहले साल वर्तमान जो चला उसमें ध्यान दो ना, वो तो आपको मालूम है कि मेरे को इसके बाद पीजी करनी है, इसका सर्विस करनी है, जो भी कुछ करना है, पहले उस पर तो ध्यान दीजिए आप, उसमें क्या दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन नहीं, हम हर चीज़ के अंदर, हम पूर्वजों की फ़ोटो कहीं भी लगा, कभी पूर्वजों की फ़ोटो गलत तो नहीं लगाती, कुछ गलत नहीं होता, पूर्वज आपके हैं, आपके ही आप उन्हीं के वंशज हो, कहीं भी लगाओ ना सोने लगा, कोई दिशा का कोई चक्कर नहीं, ये सब बताई बात है। हमने भगवान की मूर्ति गलत जगह तो नहीं लगा दी, अरे कमाल हो गया, भगवान हर जगह लग सकते हैं, आप कहीं भी लगाइए ना, कहिए मैं शास्त्र दिखाता हूँ, मैं शास्त्र दिखाता हूँ कि भगवान की फोटो मूर्ति कहीं भी लगाइए। मैं तो कहता हूँ गीता प्रेस कल्याण बराबर एक ही चीज़ कहती है कि फोटो मूर्ति भगवान की हर जगह होनी चाहिए, अवांछनीय जगह को छोड़कर हर जगह होनी चाहिए, ताकि हम रसोई में जा रहे हैं, लॉबी में खड़े हैं, ड्राइंग रूम में खड़े हैं, डाइनिंग रूम में हैं, हम बेडरूम में कहीं पर भी हैं, भगवान हमारे सामने रहे। कई लोगों को वहम होता भगवान की मूर्ति हमें क्या कहते हैं बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते हर जगह पर भगवान की मूर्ति फोटो इतनी होनी चाहिए जो कि हमें विजिबल हो, कम से कम हमारी इतनी तो मूर्ति हो जैसे दुर्गा मैया की, इतनी दिखे तो सही, इतनी विजिबल तो हो। इसी प्रकार से कई लोगों को इस चीज़ का वहम होता है कि नहीं जी नहीं, लगता है हमारे साथ छोटा मोटा मतलब कुछ भी परिस्थिति में अप डाउन है, जरूर कोई ना कोई हमसे गलती हो गई, जरूर हमसे कोई वास्तु गलत हो गया, हमारा वास्तु गलत हो गया, हम पहले तो ठीक थे। कई बार समय का प्रभाव होता है, कई बार हमारी बुद्धि के द्वारा भी कार्य इस टाइप के जाते हैं, करते हम अच्छा हैं लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट हमारा, उसका रिजल्ट उल्टा पड़ जाता है। कई बार मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, हम अगर अपने सेल्फ मैनेजमेंट को चेक करें तो हम पाएंगे गहराई से, चाहे घरेलू मामले हों चाहे कुछ हो, कि कहीं ना कहीं पानी हमारे द्वारा ही मर रहा है। लेकिन भगवान की आस्था रखने का मतलब ये रहता है कि वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को सबको धीरे धीरे करता चलेगा, इतना भी दिल ना उठाएं जिससे कि आपको हर चीज़ के लिए खाली इसी चीज़ के लिए चलना पड़े और आपके जीवन में एक आप उलझ के रह जाओ। जिससे कम से कम मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज्योतिषियों को बदनाम नहीं करें आप, क्योंकि सबसे पहले कारक आप हैं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ में चलते हैं, फिर काम नहीं होता तो ज्योतिषियों को बदनाम करते हैं, वास्तुकारों को बदनाम करते हैं, फिर ऊपर से भगवान से रूठते हैं, भगवान हमारे हिसाब से चले तो ठीक है, नहीं तो भगवान तू भी नहीं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दे तब तो भगवान ठीक है, श्रद्धा बनी रहती है, नहीं तो श्रद्धा में कमी आ जाती है, हम पूजा ही करना छोड़ देते हैं। फिर उस जगह पे कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जो ज्योतिष वास्तुकार के रूप के अंदर, वो लोग फिर ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आप उसमें उलझ कर जाते हैं, बाद में कहते हैं हमने तो इतना पैसा लगा दिया, इतनी सब जगह चल दिया और सारी चीज़ें हो गई है, अब हम क्या करें। तो फिर आप खुद कारक हो, मैं बार बार कह रहा हूँ खुद कारक हो, इसलिए ध्यान दीजिए, धर्म श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। आप सबका मंगल हो, धन्यवाद।